नमस्कार दोस्तों। और एक बड़ी खबर, चुनाव से इतर खबर बताऊंगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो राफेल डील के मामले में कोई फैसला नहीं देंगे, कीमत क्या है ये इससे मुझे मतलब नहीं है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग हमलावर हैं। और सोचिए कि इस देश में जब हम लोग बार बार कह रहे थे कि किस तरह का चरित्र है कोर्ट का, जब भी कोई सवर्ण नेता, जब भी कोई सवर्णों की सरकार फंसती है तो कैसे सुप्रीम कोर्ट बचाती है और कैसे लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हो जाता है। तो मैंने कुछ बड़े रिएक्शंस आपको सुनाना चाहता हूँ जो मुझे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है बात करना बहुजन समाज के लिहाज से, और इसलिए मैंने तय किया कि ये बात आपसे की जाए, आपसे शेयर की जाए। लगातार एक और चीज़ कह रहा हूँ कि मैं 7 बजे से लाइव आऊँगा और दो तीन बड़े चेहरों से आप लोग के इंटरव्यू मेरी रूबरू है, उनसे मिलवाऊँगा। तो ये एक बड़ी कोशिश होगी मेरी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है, उससे साफ है कि किस तरह से जो जजेज हैं वो जातिवाद करते हैं, इसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो वो कुछ सोशल मीडिया पर जो जो इम्पैक्ट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अरविंद यादव लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आरक्षण, क्रीमी लेयर और SC ST एक्ट पर फैसला देने के लिए, कानून तक बनाने के लिए, राफेल पर नहीं। तो ये बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एक बहुत बुरा अनुभव हुआ आज मेरे साथ। मैं अभी कांग्रेस दफ्तर गया था, कांग्रेस के BJP का नेताओं का है, और कैसे एक सवर्ण लॉबी काम करती है, मैंने दर्जनों कैमरे देखे, पत्रकार देखे, और आप कल्पना कीजिए कि सत्ता कैसे बदलती है चीज़ों को और सवर्ण लॉबी कैसे हावी होता है। एक पत्रकार से मेरी बहस हो गई, मेरा निजी कोई मसला नहीं था, वो एक कोई इंटर्न पत्रकार होगा, उन्हीं के समाज का होगा, वो उसको ह्यूमिलिएट कर रहे थे और उसको बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद वो शख्स मुझ पर भी थोड़ा सा, उसने कहा कि थोड़ा सा आगे से खड़े जाइए, मैंने कहा कि देखिए आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत कीजिए। उसके बाद कांग्रेस का जो जो मीडिया सेल देखते हैं वो आए, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि आप प्लीज़ चुप रहिए और ज़्यादा बात मत कीजिए, और मैं आपको देख चुका हूँ कि आपने आगे भी किसी को ह्यूमिलिएट किया है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, उसका उसका मीडिया सेल का आदमी आया, जबकि मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, उनका प्रेस रिलीज आता है मेरे पास। ये बातें मैं सिंपैथी के लिए नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कैसे चीज़ें ट्रेंड करती हैं, पत्रकारों को कितनी सिंपैथी हो गई है कांग्रेस से। और वो तमाम पत्रकार कल तक एकदम खाली रहता था, फिर से वहाँ कैमरा लगने लगा है, तमाम चीज़ें होने लगी है, और बहुत केयर करती है कांग्रेस जो है, BJP जो है, वो पत्रकारों का खास कर, चूंकि उनको पता है पत्रकार कभी उनके हमारे पाले में है, कभी उनके पाले में, तो जितने पत्रकार सब तक BJP के पाले में थे वो कांग्रेस के पाले में आते दिख रहे हैं। तो एक बड़ा बदलाव है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा आप किस चैनल से हो, मैंने कहा कि क्या आप चैनल देख के पत्रकारों की वैल्यू करते हैं या बात करते हैं। तो और भी कुछ बातें हुई मैंने, तो चलिए उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये ट्रेंड समझा रहा हूँ, तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से मीडिया जो है वो BJP से कांग्रेस, कांग्रेस से BJP करती है। पता नहीं बहुजन समाज के लोग कब समझ पाएंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कब समझ पाएंगे। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कोर्ट पर, उसी पर बने रहें। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आरक्षण, क्रीमी लेयर और SC ST एक्ट पर फैसला देने के लिए, कानून तक बनाने के लिए है, राफेल पर नहीं, CP ये करते हैं। उसके बाद लगातार मैं, जितेंद्र नारायण सिंह लिखते हैं, ये एक थोड़ा दूसरा मुद्दा है, मैं उस पर आऊँगा। पहले मेरी कोशिश है कि आपको बताया जाए कि किस तरह से जो जो कोर्ट का पूरा मसला है वो मैं बता रहा हूँ। पत्रकार छोड़ दीजिए, पत्रकार तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आज के समय में पत्रकार बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो हवा बनाते हैं। मेघालय हाई कोर्ट के जज संदीप रंजन सेन ने कहा, भारत को आज़ादी के समय ही राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए था। दिलीप मंडल लिखते हैं, यह ऐसा ही है जैसे कुछ समय पहले हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था कि मोरनी मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने SC ST एक्ट को गलत इस्तेमाल होता है, इसे बेकार कर दो। जजों ने कहा प्रमोशन में आरक्षण गलत है। आज जजों ने कहा राफेल बढ़िया प्लेन है, सही खरीदारी हुई है। तो समझिए कि ये जजेस जो हैं, अब सारे फैसले जो हैं वो आपके खिलाफ कोर्ट से आएंगे, ताकि आप कोई हंगामा ना कर सकें। और तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि न बुफोर्स में गड़बड़ी थी, न राफाल में, दोनों के पास क्लीन चिट। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। देवाशीष जरारिया लिखते हैं, जस्टिस जब जस्टिस कर्णन अपनी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं तो उन्हें पागल ठहराया जाता है, उन्हें अवमानना का दोषी ठहराकर 6 माह जेल भेज दिया जाता है।
जबकि इसी भ्रष्टाचार की बदौलत सुदीप रंजन सेन जैसे संघीय उच्च न्यायालय में जज बनकर बैठ जाते हैं और संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, समता मूलक और धर्म निरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की पैरवी कर रहे हैं। ऐसे न्यायाधीश जब कोई अल्पसंख्यक मामला देखते होंगे तो उस पर कैसे निर्णय देते होंगे। इन महाशय ने तो एक कदम आगे बढ़कर देश निर्माताओं संविधान निर्माता पर ही सवाल खड़े कर दिए कि आज़ादी के बाद ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। क्या अब इस जज पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या यह न्यायालय जैसी संस्था के साथ भत्ता मजाक नहीं है? क्या ऐसे आचरण वाले व्यक्ति को भी एक पल न्यायाधीश रहने का अधिकार है? क्या उच्चतम न्यायालय ने इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या जस्टिस करण की तरह इनको जेल में नहीं डाला जाएगा? कुछ बड़ी चीज़ें थी जो मैं आपसे जजों के लेकर नट प्रदीप चौधरी लिखते हैं, मैं लोगों का रिएक्शंस बता रहा हूँ। न 2G घोटाला था, न रफेल घोटाला है, न 1984 में कोई मरा था, न 2002 में। ठीक है, ये सारे फैसले कोर्ट से आ रहे हैं उनके पक्ष में, तो वो मैं जरूर, न व्यापम घोटाला था, न रफेल घोटाला है, न 1884 में कोई मरा था, न 2002 में। 1884 में कांग्रेस ने दंगा करवाया था, कमलनाथ उसमें हीरो थे जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 2002 में मोदी जी ने दंगा कराया था। प्रियांशु रंजन लिखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रफेल डील को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है? प्रभांशु रंजन फिर आगे लिखते हैं, जो दिलीप मंडल ने लिखा उसी को उन्होंने शेयर किया है, तो ये समझिए कि किस तरह से। नितिन लिखते हैं, मेघालय हाईकोर्ट के जज संदीप रंजन सेन ने कहा कि भारत में को आज़ादी के समय हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए था। मुझे इस पर हैरानी नहीं हुई, विश्व हिंदू परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कोकेज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है कि विहिप के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान बिना किसी खास रुझान के सारे फैसले दिए होंगे? तो साफ है पुराने और नए वक्त में इस वक्त बस इतना फर्क है कि कोकेज जैसे छिपे रह गए, सेन जैसे खुलकर सामने आ गए। सोचिए जब जज है उसकी भी जाति और उसके भी मजहब को लेकर किस तरह से टीका टिप्पणी हो रही है, और अब लोग लगातार लिख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि न जाने कब तक हम लोग सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी वोट देते रहेंगे। ये सब आपको समझना पड़ेगा। नोटबंदी घोटाले, भाजपाइयों द्वारा न जमा 3 लाख करोड़ करेंसी के बदले नए नोट छापकर खुद रख लेने के सबूत मिटाने के लिए तो शक्तिकांत दास को नहीं लाया गया है, काम होने के बाद इकोनॉमिस्ट आ जाएगा। तो ये लगातार लोग लिख रहे हैं, और विजय माल्या को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, मैं वो भी बात करूँगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जैसे सोचिए कि जयंत जिज्ञासु लिखते हैं, माल्या जी को चोर कहना सही नहीं है, बाहर ब्राह्मण कुल शिरोमणि श्री श्री 108 श्री नितिन गडकरी जी, मगर आप और आपके चिचियाने वाले भक्तन की टोली और कीर्तनिया मंडली हमारे नेता लालू जी को चोर बोले तो ठीक, बेईमान निर्लज बेशरम भया कहीं के जातीय श्रेष्ठता बोझ से कभी थोड़े निकलोगे आप जैसों से उम्मीद खुद से धोखा है। एक बार कर्ज नहीं लौटा पाने वाले माल्या जी को चोर कहना सही नहीं है। सोचिए कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी आपके नेता को कैसे ये लोग चोर कहता है, जबकि कोई आरोप नहीं है, कोई भागा नहीं है देश छोड़ के, लेकिन विजय माल्या को ये लोग विजय माल्या जी कहता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। और एक बड़ी खबर, छात्रों ने क्या बवाल हटाई गांधी की मूर्ति, घाना में ये हुआ है तो ये चलता रहेगा। अरे राजस्थान को पाकिस्तान बनने की बधाई, तो ये चलिए इन लोग का एक बार कर्ज नहीं लौटा पाए माल्या जी उनको चोर कहना सही नहीं है, नितिन गडकरी। ये लिखते हैं सत्येंद्र सत्यार्थी। अरविंद यादव लिखते हैं, ब्राह्मणों से सबको जातिवाद सीखना चाहिए, किसी ब्राह्मण ने माल्या को चोर नहीं कहा, अब तो माल्या जी कहने लगे हैं। तो सारे अखबार जेनऊ ही की बोलता है, माल्या जी को चोर कहना ठीक नहीं, नितिन गडकरी। और सत्येंद्र लिखते हैं, आगे कांग्रेस बैटिंग करती है और बीजेपी बॉलिंग करती है, फिर बीजेपी बैटिंग तो कांग्रेस बॉलिंग, और मूर्ख बहुजन फील्डिंग करते रहते हैं। पीयूष बेवले लिखते हैं, न बोफोर्स हुआ, न हवाला हुआ, न 2G हुआ, न कोयला हुआ, न बम्पर हुआ, डंपर हुआ, न व्यापम हुआ, ऐसे ही अब रफेल भी न हुआ, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो ये तमाम जो आज बहुजन समाज की खबरें थी, मैं उसको दिखा रहा था कि किस तरह से SC ST एक्ट हो, आरक्षण का मामला हो, प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो, इस देश में बहुजन समाज के लोग SC ST के लोग लगातार जेलों में सर रहे हैं, कोई खीरा चोरी में, कोई 5,000 की चोरी में, कोई लोन की चोरी में, कोई मामूली झगड़े में, और इस देश में जो अरब जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो अरबों खरबों रुपए लेके इस देश से भाग जा रहे हैं, और कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है, कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये इस देश की व्यवस्था होगी, और आपको समझना पड़ेगा। और उससे भी एक बड़ी खबर बता रहा हूँ जो चुनाव से जुड़ी हुई है, वो बताऊँगा तीसरे सेगमेंट में। लेकिन सोचिए कि जज
जज जब इस तरह की बातें करता है कि 2G घोटाला नहीं हुआ, 2G भी नहीं था, व्यापम भी नहीं है, वो फोर्स भी नहीं है, राफेल भी घोटाला नहीं, उसकी जांच भी नहीं होगी, लेकिन वही कोर्ट में से जज में से फैसले आते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण गलत है, SC ST एक्ट गलत है, तो समझिए कि किस स्तर की इस देश में जातिवाद है और किस स्तर से लोगों को बचाया जाता है। पत्रकार तो एक मामूली प्यादे हैं जो कल तक बीजेपी कर रहे थे वो अब कांग्रेस करेंगे, लेकिन हमारे लोग भी इसी तरह से फंसे हुए हैं, उनको इसमें निकलना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ी बात वोट से भी जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से मैंने सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ के सुना है कि उसी सुप्रीम कोर्ट से, उसी हाई कोर्ट से आप लोग के खिलाफ जो है वो फैसले आते हैं और उनके पक्ष में फैसले आते हैं और आपके खिलाफ में फैसले आते हैं, तो सवर्ण समाज के पक्ष में फैसले आते हैं, आपके खिलाफ फैसले आते हैं। बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं आज आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट नतीजा सामने आ गया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी भी सवर्ण जो हैं वो ज़्यादा संख्या में, सबसे ज़्यादा संख्या में विधायक बन के आए हैं। SC ST की एकजुटता के लिए थोड़ी अच्छी खबर है कि SC ST के लोग रिजर्व सीट पर तो जीते ही हैं, जनरल सीट पर भी SC ST की यूनिटी ने उनको मजबूर किया था, उन्होंने जनरल टिकट दिया था, खासकर राजस्थान में मीना समुदाय को, दलित समुदाय को, मध्य प्रदेश में दलित समुदाय को, और इस वजह से जो SC ST के जो MLA हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का जो मेंबर हैं उनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में OBC की विधायकों की संख्या और कम हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 84 के दंगे के आरोपी कमलनाथ को ही CM बनाया है कांग्रेस ने, कांग्रेस जीते या BJP जीते, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, तो सबसे ज़्यादा जो मार है वो OBC के लोगों पर पड़ता है, उनकी संख्या घटती है, उनका प्रतिनिधित्व घटता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी सवाल था जो मैं आपसे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, आपको नेशनल दस्तक पर ये पैकेज भी मिलेगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे ही BJP या कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे ज़्यादा जो संख्या खत्म, जो मार पड़ती है वो OBC के लोगों की पड़ती है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से SC ST OBC के लोगों की संख्या जो है वो लगातार घट रही है, लेकिन SC और ST का घटता नहीं है क्योंकि उनकी संख्या फिक्स है, आरक्षण है, अगर उनकी संख्या बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं। लेकिन नतीजा जिस तरह से आया है कि 40% सीटें कम हो गई है, और अभी भी सवर्ण समाज के जो MLA की संख्या है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। इस पर रिसर्च बेस्ड डेटा आया है, उसको मैं पैकेज में भी तब्दील करवा रहा हूँ, वो आपको बताऊँगा। तो जिस तरह से राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वही सुप्रीम कोर्ट जो आरक्षण को खराब कहती है, 49.5% से ज़्यादा आरक्षण लागू नहीं होगा, वही सुप्रीम कोर्ट जो OBC को क्रीमी लेयर में डाल देता है, क्रीमी लेयर में इसमें डालता है कि जो OBC के मजबूत तबका है, मजबूत लोग हुए हैं, वो चुनाव न लड़ सकें या वो आरक्षण की लड़ाई को आगे न बढ़ा सकें। तो ये एक बड़ी साजिश होती है। और अब जो सारे नतीजे आ रहे हैं वो कोर्ट से आ रहे हैं, जिस तरह से जो जज ने कहा है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जांच ही नहीं करेंगे राफेल को लेकर, लेकिन वो उसको आरक्षण से प्रॉब्लम है, उसको आरक्षण में प्रमोशन से प्रॉब्लम है, उसको निजी सेक्टर में आरक्षण न देने से प्रॉब्लम है। तो ये तमाम बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि जब तक आप लोग राजनीतिक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आपके साथ ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा, कांग्रेस से BJP, BJP से कांग्रेस, जो सत्ता का हस्तांतरण है, कभी कांग्रेस को हराने के लिए आप लोगों ने BJP को वोट किया, अब BJP को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करेंगे, फिर अगले साल कांग्रेस को हराने के लिए BJP को वोट करेंगे, और वो जो लोग कांग्रेस में होते हैं वही BJP में होते हैं, जो लोग BJP में होते हैं वही कांग्रेस में होते हैं। तो ये श्रृंखला चलती जा रही है। और मैंने जिस तरह से देखा है कि SC ST OBC के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को किस तरह से दबाया जाता है, परेशान किया जाता है, चुनाव लड़ने से रोका जाता है, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डरावना है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक बहुजन यूनिटी नहीं बनती है ये देश बिल्कुल आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है, और आप लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हर जगह आपकी भागीदारी शून्य है, कम है, सबसे न्यूनतम स्तर पे है। आप सिर्फ इस देश में डेमोक्रेटिक तरीके से जो वोट का अधिकार मिला उसी में आप नंबर 1 हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे जो लोग हैं, नेता हैं, वो स्वार्थवश
बहुजन समाज को एकजुट नहीं दे रहे हैं और ये कांग्रेस से सीखना चाहिए, बीजेपी से सीखना चाहिए। मैंने आज जिस तरह से जो पत्रकार हैं टेलीविज़न में अखबार में उन लोगों को मैंने देखा है, उनके चेहरे की खुशी देखी है, जो तक कल तक बीजेपी की सरकार से खुश थे वो कांग्रेस की सरकार से भी उतना ही खुश हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नागनाथ ही सांपनाथ है, सांपनाथ ही नागनाथ है। और अगर आप लोग को लगता है कि कांग्रेस ने बेहतरी होगी तो 60 साल में आपने कांग्रेस को देखा है, बीजेपी को देखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा SC ST OBC को नुकसान हो रहा है, वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का भी चीफ मिनिस्टर तय नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में तय हो गया है। लेकिन सोचिए कि जब तक आपकी विचारधारा वाली पार्टी नहीं होगी, आपके OBC के लोग भले राजस्थान में CM बन गए हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि शिवराज सिंह चौहान भी तो OBC थे, नरेंद्र मोदी भी तो OBC हैं, तो उससे क्या बदला है। तो पार्टी की विचार क्या है, वैचारिक धारा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो जज भी कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र, जज भी कहेंगे कि रफेल की जांच नहीं होगी, लालू यादव को सजा हो जाएगी, ये बहुजन नेताओं को चोट ठहरा दिया जाता है। तो ये सब आप लोग को अब समझना चाहिए, और अब भी आप लोग नहीं समझेंगे तो ये आपकी गलती है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए, अपनी अपना कमेंट जरूर दीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया की खुशखबरी आप लोग को बता रहा हूँ कि YouTube ने आपको रिकग्नाइज किया है नेशनल दस्तक को, और इस देश की जो मीडिया हाउसेस है तमाम, आज तक जी न्यूज़, चाहे वो ABP न्यूज़ हो, चाहे इंडिया TV हो, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो YouTube चलाते हैं, उसकी श्रेणी में आपको रखा है। मुझे वहाँ बुलाया भी गया था और उसका सबूत मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए ये YouTube ने कलम दिया है और एक रजिस्टर भी दिया, अभी दिखाऊंगा क्या बातें हुई है। वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो आपकी संख्या से, आपकी ताकत से आपको पहचानने लगा है। अगर सोशल मीडिया पर आप इसी तरह से आप लोग आते रहेंगे तो भविष्य में कोई बड़ा प्लान यूट्यूब जो है वो बहुजनों के लिए कर सकता है, और हम लोग एक और सशक्त मीडिया खड़ा करने में कामयाब हो सकते हैं। शुक्रिया आप सब लोगों का। सम्मुख कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।